हाय एवरीबॉडी, दिस इज श्याम असारे। आज हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन के बारे में, दैट इज डबल जी कॉन्सेप्ट। ब्लड रिलेशन का एक यूनिक मेथड है, एक जबरदस्त मेथड है जिसे हम सभी लोग अवेल कर पाएंगे आज, और हम सीख पाएंगे किसी भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग जो फॉर्म में हमारे पास ब्लड रिलेशन आता है उसे कैसे इजिली और सबसे तेज टैकल करें। कई बार आप सभी लोगों ने सर्च किया होगा डबल जी कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा, तो आपको यहीं पर मिलेगा। मैं श्याम असारे आप सभी लोगों के साथ बैंक एग्जामिनेशन में या बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जहां पे भी ब्लड रिलेशन आता है वो भी कोडेड फॉर्म का, मैंने आपको बताया दैट इज कोडेड फॉर्म का। अगर कोडेड फॉर्म का आपको ब्लड रिलेशन करना है तो डबल जी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, उसे आप इजिली सबसे तेज आंसर मार्क कर सकते हैं। बात करूँ मैं सबसे पहले अपने बारे में, मैं श्याम सारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं एंड प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है आपके फील्ड में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हल्की सी थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं आपको कि प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल गाइडेंस के बारे में बात करूं तो पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आइकॉनिक फीचर्स आप अवेल करते हैं तो। स्टडी प्लानर भी दिया जाएगा, टेस्ट एनालिसिस भी दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, एक्सपर्ट गाइडलाइन भी आपको मिलेगा। आप अवेल कर लीजिए, इसे धमाल मचा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अभी जो अमाउंट चल रहे हैं, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आपको 1 साल या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन में रिकमेंड करूंगा, प्लस के लिए भी, आइकॉनिक के लिए भी ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। SLI रेफरल कोड यूज करिएगा ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले आपको और एडिशनल मंथ के भी बेनिफिट अगर ऑफर उस समय चल रहा है तो। आस्क अ डाउट फीचर्स भी अनअकैडमी पे आपको देखने को मिलेगा, अनअकैडमी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें 3 डाउट तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू भी या वेबसाइट के थ्रू, और उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में भी उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा एंड ऐप और मोबाइल दोनों से अपलोड कर सकते हैं। भाई पढ़ते पढ़ते अक्सर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन फंस जाता है, क्लिक किया, अपलोड किया, तुरंत आंसर मिला। रेजर हैंड ऑप्शन चूज करके बात करके अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस के दौरान अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग बात कर ले जाते हैं डबल जी कॉन्सेप्ट की। सबसे पहला मैं, अगर यहाँ टाइमर रन करने कोई मतलब नहीं क्योंकि आप लाइव नहीं है अभी, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि डबल जी कॉन्सेप्ट में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनमें पूछ रहा है कौन इनमें से सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें हम डबल जी कॉन्सेप्ट आज लगाएंगे। तो डबल जी कॉन्सेप्ट होता क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। डबल जी कॉन्सेप्ट में आप हमेशा ध्यान रखिए, एक जी हमारे पास जेंडर है और दूसरा जी हमारे पास है जनरेशन। जी जेंडर और जी जनरेशन, आप 1 सेकंड के लिए, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, आप पहले खुद से पॉज करिए और सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और देखिए कि क्या अकॉर्डिंग टू यू आंसर आ रहा है। टाइम्स अप हो गया, आपने आंसर दे दिया होगा अब तक। आइए चलिए हम लोग बात करें कि क्या है हमारे पास डबल जी कॉन्सेप्ट। डबल जी कॉन्सेप्ट, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, जैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हो सकता है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड लगा हो, बट जल्दी कैसे करें, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो, जैसे इंटू दिया हुआ है, एन इंटू एम, ध्यान से पहले समझ लो। एक क्वेश्चन मैं आराम से समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन ऑनवर्ड में थोड़ा तेज लेके चलूंगा, ठीक है। एन के बाद इंटू एम दिया हुआ है, एम के बाद प्लस आई दिया हुआ, आई डिवाइडेड जी दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक जी जेंडर ऊपर रखिए और एक जी जनरेशन नीचे रखिए। इंटू का मतलब दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे मदर, मदर तो जाहिर सी बात है एक फीमेल होगी, मदर क्या होती है, एक फीमेल होती है, हमने माइनस ऊपर रख दिया फीमेल, और मदर एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो एक जनरेशन ऊपर +1 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब हमने यहाँ पे देखा सिस्टर का रिलेशन दिया हुआ, सिस्टर बोले तो ये एक फीमेल होगी, जनरेशन गैप 0, सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ ये सेम जनरेशन के होते हैं तो जनरेशन गैप 0। ऊपर के जनरेशन में जैसे फादर मदर हैं तो वो उनके +1 दिखाएंगे, और नीचे के जनरेशन सन या डॉटर है तो -1 दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ डिवाइडिंग दिया है, डिवाइडर मतलब दिया हुआ हमारे पास फादर तो मेल होगा, एक जनरेशन ऊपर हमारे पास आई फादर हो गया। अब इनमें से कह रहा है कौन सा वाला ट्रू है, पहले तो ये जो हमने बनाया है ये मन में भी आप चाहो तो रिलेशन एज्यूम कर सकते हैं कि एन माँ है एम की और एम बेटी है और उनके भाई
आई है तो जाहिर सी बात है आई अगर भाई है तो एन के बेटे होंगे वो, और आई खुद पिता है जी के, यानी कि एन हमारे पास हो गई दैट इज दादी, और उनके दो संतान हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, एम और आई, और जी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया है। तो एन इज फादर ऑफ आई, एन को एक फीमेल पता है हमारे पास, उसको फादर का रिलेशन बोलना गलत, तो पहला वाला हो गया हमारे पास गलत। दूसरा, एम इज आंट ऑफ जी, एम आंट ऑफ जी, जी के पापा की बहन आंट होगी, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही लगा था हमारे पास। एन इज ग्रैंड फादर, फिर से एन फीमेल है तो मेल बोलना गलत हो जाएगा। जी इज सिस्टर, जी का जेंडर नहीं पता है तो गलत हो गया। तो डबल जी कॉन्सेप्ट में नॉर्मली क्या होता है ना, जेंडर से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं कुछ जनरेशन गैप से। आपको आगे चल के और भी तेज करने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको हर एक ऑप्शन एक नॉर्मल कैंडिडेट होगा 30 सेकंड में नहीं कर पाएगा। बट व्हाट वी हैड लर्न दैट इज डबल जी कॉन्सेप्ट, और डबल जी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जे इज ब्रदर ऑफ जी को बनाना है, तो मैं दिमाग में लगाऊंगा अच्छा जे को ब्रदर होना है, तो यानी जे को मेल होना पड़ेगा, किसका, जी का। तो जी का जेंडर पता हो ना पता, नहीं पता चलेगा हमारे पास। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे पास मदर ब्रदर सिस्टर फादर यानी कि प्लस प्लस में या जीरो में रिलेशन दिया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन प्लस प्लस बोले तो फादर मदर प्लस का रिलेशन देते हैं जेंडर का, और हम बात करें दैट इज ब्रदर सिस्टर का जीरो, यानी कि प्लस माइनस दोनों साथ में नहीं आए, यानी प्लस प्लस आए हो, तो हमेशा याद रखिए लास्ट मेंबर का जेंडर कभी भी डिफाइन नहीं हो पाता। एक नॉर्मल कैंडिडेट क्या करेगा, पूरा बनाएगा, बनाने के बाद चेक करेगा। बट आप क्या करने जा रहे हो यहाँ पे, यहाँ करने जा रहे हो आप डबल जी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व, तो हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जे ब्रदर होना चाहिए तो जे को मेल होना पड़ेगा, मेल होने के लिए उसे लास्ट में नहीं आना पड़ेगा अगर सब पॉजिटिव और जीरो का रिलेशन दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, चाहो तो आप बना के चेक करो, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, बहुत काम देगा आपको एग्जाम में। अब जे के बाद के सिंबल से पता चलेगा वो लड़का है या लड़की, जे के बाद हमारे पास यहाँ दिखे माइनस माइनस, दोनों माइनस दिया है यानी दोनों ब्रदर, तो जे ब्रदर जी का पहले वाले से ही आंसर आ गया। दूसरे वाले में जी डिवाइडेड दिया हुआ, डिवाइडेड मतलब फादर, जी फादर हो गया था एक जनरेशन ऊपर, तो जी पिता हो गया जे का, और जे सन हो जाएगा, मेल होगा क्योंकि, तो पुत्र होगा, ये ऑप्शन चाहिए नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला नंबर ऑप्शन, करने में 5 सेकंड लगेंगे जब आपको ये ट्रिक पता होगी और ट्रिक पे आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब इसे भी आप चाहें तो पॉज करिए पहले, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले सॉल्व करें खुद से, फिर देखें मैं कैसे आपको कर रहा हूं। एन के बाद हमारे पास माइनस दिया हुआ, जल्दी करके करने का तरीका बता रहा हूँ। माइनस माइनस मतलब ब्रदर मेल होगा, जनरेशन गैप जीरो, फिर माइनस ब्रदर, जनरेशन गैप जीरो, डिवाइडेड का मतलब दिया फादर, मेल होगा एक जनरेशन ऊपर, प्लस प्लस का मतलब दिया सिस्टर, फीमेल होगी जनरेशन गैप जीरो। तो क्या पता चला, एक्स की माँ है, एक्स की बहन है यू, इनके पिताजी हैं डब्लू, और डब्लू के दो भाई और हैं एन और जे। तो डब्लू तीन भाइयों के साथ है, एन जे डब्लू, और उनका एक संतान है डब्लू का, वो है बेटी, और एक संतान का जेंडर नहीं पता है ये है। तो एक्स का जब जेंडर नहीं पता है तो एक्स वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और डब्लू हमारे पास फादर है एन का, ऐसा कहना गलत है, ब्रदर है, यू इज द निस, यू इज द निस ऑफ एक्स इज गलत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यू एक्स की बहन है। तो सारे ऑप्शंस गलत हो गए हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाए क्या इसका, ई। आसान हुआ ना, आइए और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्ले करेंगे तो मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी आपकी, नहीं तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से मजा नहीं आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए मदर ब्रदर सन भी आया है, यानी मदर और सन दोनों आया है, यानी एक प्लस वन है तो एक माइनस वन भी है, सन माइनस वन जनरेशन गैप दिखाता है। तो प्लस वन माइनस वन में आप लास्ट जेंडर डिफाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, आप आराम से इसे सॉल्व करेंगे। एक्स इज सिस्टर, एक्स के बाद के सिंबल से पता चलेगा कि एक्स मेल है या फीमेल। एक्स के बाद माइनस दिया हुआ है, माइनस इज सिस्टर, सिस्टर है, और फिर उसके बाद डिवाइडेड दिया हुआ ब्रदर, तो यानी दोनों जनरेशन गैप है, एक्स को सिस्टर होना चाहिए डब्लू का, तो पहले वाले से ही आंसर निकल आया, जनरेशन गैप जीरो मिल गया, है ना, सिस्टर जनरेशन गैप जीरो होता पहले वाले से मिल गया। दूसरे हम देखते हैं एक्स का पहले जेंडर डिफाइन करें, डब्लू के बाद डिवाइडेड दिया हुआ है यानी ब्रदर, ये ब्रदर हो गया जनरेशन गैप जीरो, लेकिन एक्स लड़का या लड़की नहीं पता चल पाएगा, डब्लू तो पता चल गया भाई है उसका, लेकिन एक्स क्या उसकी बहन होगी ये पता नहीं। डब्लू के बाद एक्स दिया हुआ है, एक्स का मतलब दिया हुआ सन, तो ये मेल होगा एक जनरेशन नीचे, फिर माइनस, माइनस का मतलब दिया हुआ है सिस्टर, फीमेल होगी जनरेशन गैप जीरो। देखिए
जनरेशन गैप डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितना चाहिए था सिस्टर होने के लिए? 0। यहाँ -1 मिल रहा है रिजल्टेंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा। बाकी ऑप्शन क्यों गलत? पहला तो सही हो गया, हम काम खत्म कर सकते थे, बट हम बाकी भी चेक कर लेंगे। माइनस माइनस का मतलब दिया हुआ सिस्टर, डब्ल्यू सिस्टर है, जनरेशन गैप 0, एक्स के बाद इनटू दिया हुआ सन मेल हो गया, जबकि एक्स को फीमेल होना चाहिए था, यहाँ मेल हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। यानी जेंडर से हमने देखा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि इसमें एक्स का जेंडर ही डिफाइन नहीं हो पाया था। सिर्फ सही हुआ पहला वाला, क्योंकि यही हमारे पास बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ फादर ब्रदर मदर दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि लास्ट मेंबर का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, इस हिसाब से पहला और तीसरा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, प्लस और 0 का रिलेशन अगर हमारे पास दिया हुआ है, देखो फादर हमारे पास +1 जनरेशन गैप होता है, एंड ब्रदर 0 होता है, मदर भी +1, प्लस और 0 है, ऐसे सिचुएशन में लास्ट मेंबर का जेंडर डिफाइन कभी नहीं होगा, ये दो के दोनों हमारे पास गलत हो गए। अब उसके बाद जेंडर डिफाइन कर लीजिए, एक्स के बाद माइनस, मदर फीमेल होगा एक जनरेशन ऊपर, फिर प्लस, प्लस का मतलब दिया फादर मेल होगा एक जनरेशन ऊपर, यानी एक्स हमारे पास फीमेल का रिलेशन है, एक्स को फीमेल है, वाई की नहीं ग्रैंड मदर है, इसलिए डी नंबर कैंसिल हो गया। और जेड इज द सन ऑफ एक्स, जेड जो है हमारे पास सन है एक्स का, इस करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस सेशन, सो दैट प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ताकि बाकी भी कैंडिडेट को ये चीजें पता चले। खैर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, यहाँ पे हम ढेर सारे रिलेशंस को लेके चले, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चेंजेस, एक बदलाव किए हैं। अभी तक क्या था, आपने देखा a+b या b+y का रिलेशन दे के b पहला वाले का रिलेशन देता था, हमेशा सिंबल पहले वाले का रिलेशन देता था, ठीक है, एंड हमारे पास इस बात का ध्यान रखिए, पहला वाला का ही हमारे पास रिलेशन देता था, पहले वाले का ही रिलेशन हमारे पास देता था, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरे वाले का रिलेशन हमारे पास देता है, दूसरे वाले का रिलेशन देता है, दूसरे वाले का रिलेशन देता है, सारा देखो बी इज बी इज बी इज, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट रिवर्स कर देना है, जस्ट पीछे से देखना है। क्या करना है हमारे पास, जस्ट पीछे से रिलेशंस को देखना है। तो आइए चलिए देख लें, हाउ इज जे रिलेटेड टू जी, जे का रिलेशन जी के साथ हमारे पास ये पता करना है, तो आओ चलो देख लेते हैं। हमारे पास ये पूरा पूरा रिलेशन दिया है, जी माइनस के डिवाइडेड जे, अभी सीधा सीधा हमने सीख लिया था। अब हमारे पास क्या है, जब ये उल्टा बोले ना, जब ये उल्टा कर रहे हैं तो हम भी जेत पे आ जाएंगे, हम भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। आइए तो के डिवाइडेड पीछे से चलेंगे, अब कहानी हमारे पास पीछे से, बस सीख लेना बस बच्चे ये बात। तो हम जे के बाद डिवाइडेड दिया हुआ है, तो डिवाइडेड का मतलब यहां से देखेंगे सिस्टर, यानी जे इज सिस्टर ऑफ के, पीछे चल, जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद माइनस दिया हुआ, माइनस मतलब सन, यानी मेल होगा सन होगा, के सन होगा, तो जी हमारे पास एक ऊपर के जनरेशन, जस्ट उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, सन पे -1 लिखते थे, अब +1 कर रहे हैं। तो हमें पता चला जी, पता नहीं लड़का या लड़की, लेकिन उनका एक संतान है के, लड़का है वो, और उनकी एक बहन है जे, यानी जी के दो संतान हुए, के और जे, एक लड़का एक लड़की। तो हमारे पास जे का रिलेशन जानना है जी से, तो बेटी होगी, डॉटर इज करेक्ट आंसर, 5th नंबर ऑप्शन। मजा आया, कितना इजी लगा ना, क्यों, क्योंकि मैं कर रहा हूं, आप इसे बेसिक से करते हैं ना, जी माइनस के डिवाइडेड जे, तो ऐसे सिचुएशन क्या बनते हैं, पहले माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला क्या है सन, यानी के इज द सन ऑफ जी बनाते हैं, जस्ट उल्टा हमारे पास, क्योंकि उल्टा ही है हमारे पास सारा रिलेशन दिया। फिर उसके बाद डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब दिया हुआ सिस्टर, दूसरा पर्सन जो हमारे पास जे हो गया सिस्टर, तो ऐसे बनाते हैं आप, तो के लड़का हो गया, उसकी बहन है, तो लड़की हो जाएगी जी की, यानी बेटी, बेटी इज करेक्ट। तो वो तरीका चूज करने से अच्छा है आप ये तरीका करें, ये मन में भी कर सकते हैं बहुत रिलेशंस। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन निकालते हैं। हमारे पास ओ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एन डिवाइडेड एम, देखिए पहले तो जनरेशन गैप निकाल लो, विदाउट पेन पेपर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो डबल ब्रैकेट मदर है, तो हम -1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि चीजें उल्टी हैं, तो -1 का रिलेशन मिला जनरेशन गैप। फिर उसके बाद हम दूसरा डिवाइडेड दिया हुआ है, और डिवाइडेड के बारे में बात करें, तो डिवाइडेड में हमारे पास दिया सिस्टर, जनरेशन गैप 0 का, तो 0 ही रखेंगे, यानी कि ओ नीचे के जनरेशन में आएगा, और एम एन हमारे पास क्या है, दैट इज बहने हैं, दोनों बहने हैं, और उनके नीचे की संतान हमारे पास ओ, लेकिन ओ का जेंडर डिफाइन नहीं, ओ बेटी या बेटा है एन का, सिंपल सी बात है, एन सिस्टर ऑफ एम करेक्ट है, पहला वाला विदाउट पेन पेपर कर रहे हैं, पहला वाला सही, दूसरा एम इज सिस्टर ऑफ एन, दूसरा भी सही है, एन इज निस ऑफ एम, नहीं 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 बहन है तो निस कैसे होगी, ब्रदर कैसे होगा जब बहने हैं दोनों, तो करेक्ट आंसर दोनों सही, इसलिए ई नंबर ऑप्शन लगाऊंगा।
ठीक है, ये तो मैंने अपना शॉर्टकट से लगा दिया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस पे, तभी आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा जैसा मैंने किया। कितना टेढ़ा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप विदाउट पेन पेपर कर पाना, सोच पाना भी मुश्किल होगा आपका। मैं करके दिखा रहा हूँ, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपका होगा। ये देखो डिवाइडेड मैंने क्या बोला, पीसेस करेंगे सारा कुछ और जस्ट उल्टा करेंगे आप। तो डिवाइडेड का मतलब हमने यहाँ से उठाया सिस्टर, तो जनरेशन गैप 0, सिस्टर है तो ये फीमेल होगी एन नहीं। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज दो दो दिया हुआ, मदर मदर होगी ये फीमेल होगी, और जनरेशन गैप 1 ये नीचे हो जाए क्योंकि प्लस 1 लिखना था हमारे पास। आइए हम लोग देख लेते हैं, तो हमें क्या बोल रहा है, दैट इज दो के दोनों, अब हमें रिलेशन देना, एन और एम दोनों बहने हैं, ये दोनों सही हो गए इसलिए ये नंबर ऑप्शन। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसा भी कर सकते हैं। एक और ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, के ऑफ जे प्लस आई, पहले मन में सोचो, अपने से पहले करो, पहले अपने से करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करके देखते हैं, हम क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं कि प्लस प्लस का मतलब क्या। विदाउट पेन पेपर पर सॉरी, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे हम, प्लस के बारे में बात करेंगे। प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ, दैट इज डॉटर, डॉटर कौन हो, आई, आई का जेंडर फीमेल हो गया, तो आई का जेंडर हमारे पास फीमेल वाला 3 नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आई सॉरी प्लस का मतलब हमने देख लिया था, दैट इज डॉटर, डॉटर कौन है, आई यानी जे उनकी मम्मी या पापा होंगे। फिर ऑफ दिया हुआ, ऑफ का मतलब फादर, यानी जे हमारे पास फादर, यानी जे फादर हो रहा है आई आई का और के का भी, क्योंकि आई अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं, वो डॉटर, यानी कि जे दोनों संतानों के पिताजी हैं। तो आई और के का जेंडर डिफाइन हमारे पास नहीं हो पाया, तो सो दैट पहला ऑप्शन बोलना के और आई दोनों सिस्टर्स है कहना गलत है, के मदर है कहना गलत है, के ब्रदर है कहना गलत, क्योंकि के का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया था, सब गलत। और जे इज मदर कहना गलत है, लेकिन आई जो है सिस्टर है के की, वो डेफिनेटली करेक्ट है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन। करके बताता हूँ, प्लस प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब दिया डॉटर, ये डॉटर फीमेल होगी, डॉटर होगा तो प्लस 1 का जनरेशन गैप जे की तरफ से अगर देखा जाए तो जे प्लस 1, क्योंकि वो डॉटर है, ये एक जनरेशन ऊपर होंगे। जस्ट उल्टा करेंगे, जब ये उल्टा करेंगे तो हम भी उल्टा करेंगे। फिर ऑफ दिया हुआ, ऑफ का मतलब दिया हुआ फादर, जे हमारे पास फादर यानी मेल होगा, और फादर होगा तो ये एक जनरेशन नीचे होगा। तो ध्यान से देखिए, जे की संतान है के और जे की एक बेटी है आई, तो के की बहन होगी आई, क्योंकि दोनों जे के ही संतान है, तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा, आई इज द सिस्टर ऑफ के इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, जो कि हमें मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सभी लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चाहें इसे पॉज करके सॉल्व करते रहें, कमेंट करके आंसर इसका दे सकते हैं, और रिलेशन हम लोग आगे ढूंढ लेंगे। ये भी कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसका सोल्यूशन आप लोगों को कहाँ देने वाले, देखो ये क्वेश्चन है इतना बड़ा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मैं इसके भी एक सोल्यूशन दे देता हूँ हमारे पास कैसे करेंगे इसे, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड, है ना। देखने में ये बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है सर, इतना ढेर सर इतना बड़ा, तो आप पहले ये देख लो, ये सीधा दिया है क्या, हमने देखा यस, वाई एट द रेट भी वाई का रिलेशन दिया हुआ, यानी कि सीधा दिया हुआ, तो सीधा दिया हुआ, तो अपने को करना क्या है, क्यू से जेड के बारे में पूछा है, तो क्यू और जेड तक ही कहानी हम सीमित रखेंगे, कितना क्यू और जेड के बीच, क्यू का रिलेशन पूछा है तो क्यू के बाद के सिंबल से पता चलेगा, क्यू के बाद हमारे पास एस्ट्रिक दिया हुआ यानी ये फीमेल होगी, और फीमेल होगी तो क्यू का रिलेशन फीमेल वाला आएगा, तो ब्रदर इन लॉ अंकल, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए पहले जी जेंडर से। अब जनरेशन गैप, जेड के बाद एट द रेट दिया हुआ, एट द रेट मतलब दिया चाइल्ड, यानी कि एक जनरेशन नीचे होगा, क्योंकि ये सीधा है तो हम भी सीधा रखेंगे, चाइल्ड लड़का है लड़की नहीं पता। जी हैश दिया हुआ, हैश का मतलब दिया हुआ है सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ होंगी, तो हमारे पास क्यू के रिलेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास क्यू जी खुद सिस्टर इन लॉ है इनका, तो हमारे पास ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिस्टर इन लॉ है तो जैसे वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिस्टर इन लॉ का ही रिलेशन बन के आएगा,
जो कि मुझे नजर आया, क्योंकि देखो हैश का मतलब हमारे पास क्या दिया, सिस्टर इन लॉ, तो जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, ये सिस्टर इन लॉ है तो हमारे पास जनरेशन गैप जीरो होगा। तो अगर देखा जाए क्यू का, तो क्यू हमारे पास एक जनरेशन ऊपर बनेगी, और ऊपर हमारे पास कौन सा रिलेशन आएगा, दैट इज आंट का रिलेशन आएगा, और जेड एक रिलेशन नीचे, तो आंट इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, ढेर सारा क्वेश्चन करना, और ये इतना बड़ा बड़ा है, आपको इतना देर तक दिमाग नहीं लगाना है, आपको के का रिलेशन बताना है जी के साथ, तो के हमारे पास वाइफ बोला है, फीमेल वाला होगा, तो फीमेल वाला लगभग सारे दिए हुए हैं, तो के का रिलेशन हमारे पास ये रहा, और हमारे किसके बात करें जी, तो के से जी तक की बात कहानी कहिएगा, और पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। खैर आप चाहें तो के से टी जाए, टी से जेड, जेड से जी जा सकते हैं, तो जो भी रिलेशन आप बना सके दोनों तरफ से आप बना लीजिएगा, आप गलत नहीं करेंगे इस बात की गारंटी होगी, आप करते चले जाओगे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जो ये रिलेशनशिप दिया हुआ है एज वाइज, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बस और बस एक ही काम कर लीजिए, वो है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उससे आपको एज गैस कर सकते होंगे आप। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सेशन होगा आपके लिए, आप इसे अवेल जरूर कर लीजिएगा। कोई भी इनप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी अनअकैडमी वीडियो पर पाते हैं, तो आप उस पे सबसे पहले रिपोर्ट करके उस पर्टिकुलर इशू को क्लेम कर सकते हैं अपना प्राइस, उसके लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवेल कर लो आप। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस मेथड, इस रूल के लिए, डबल जी कॉन्सेप्ट के लिए, आप इसे शेयर कर दीजिए बहुत सारे कैंडिडेट तक। आप सभी लोग याद रखिए, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और आपसे बस सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कंटेंट टीम इतनी कंटेंट देती है, कंटेंट टीम को भी मुझे मोटिवेट रखना है ताकि वो अच्छे कंटेंट्स मुझे देते रहे। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ आप एक बार लाइक करके शेयर कर दिया करो, अपने जिस फ्रेंड को दिया करो, बोला करो तुम देखो, तुम भी आगे शेयर कर दो प्लीज, लिखते हुए जैसे मैं प्लीज कह रहा हूँ, और उसे लाइक एंड शेयर भी करवा देना। पीडीएफ के लिए मुझे अनअकैडमी पर आप फॉलो कर लीजिए, मैं श्याम आसारे, आप सभी लोग सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकन हिट कर लीजिए इस चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में, और आगे मिलेंगे, बाय बाय।